इस बीच हम अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मचाने वाली ये खबर है। कमलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हीं के पीए की तलाश में मध्य प्रदेश पुलिस कमलनाथ के घर पहुंची है। अभी वहां क्या कुछ चल रहा है जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत इस वक्त मौजूद है, जरा जानते हैं रविकांत से कमलनाथ के पीए जो आर के मिगलानी है मिल गए पुलिस को या अभी भी तलाश कर रही है। देखिए पुलिस भीतर गई और करीब आधे घंटे तक पुलिस ने जो भी बातचीत की उसके बाद पुलिस निकली और पुलिस के जो एसपी थे यहाँ सिटी एसपी उन्होंने बातचीत करने से इनकार कर दिया और कोई बात नहीं बताई कि क्यों ये रेड पड़ी, किससे बात हुई और क्या जानकारी मिली। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस की जो टीम थी वो यहाँ से थोड़ी देर पहले निकल चुकी है और इस समय यहाँ पर जो समर्थक हैं वो मौजूद हैं, लेकिन ये खुलासा नहीं हुआ है कि पुलिस ने क्या बातचीत की है और क्या हासिल हुआ है पुलिस। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि समर्थक वहां पर जुटने लगे जैसे ही ये खबर सामने आई, जाहिर सी बात है चुनावी माहौल है, ऐसे में सियासी तौर पर तो ये मामला गरमाएगा रविकांत। निश्चित तौर पर अब कमलनाथ इसको सियासी तौर पर भुनाने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि कमलनाथ का जो कनेक्ट है वो व्यक्तिगत कनेक्ट काफ़ी ज़्यादा है। कमलनाथ इस पूरे चुनाव में न तो कांग्रेस का नाम ले रहे हैं और ना ही वो नकुल नाथ को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, ना मोदी का नाम ले रहे हैं। वो सिर्फ चुनाव में जाते हैं और उन्होंने क्या किया है जनता के बीच में वो बातें वो करते हैं और अपने व्यक्तिगत कनेक्ट के को गिनाने के बाद वो नकुल नाथ का नाम लेते हैं और उनको वोट देने की अपील करते हैं। लेकिन ये वो लगातार चाहते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की बहस ना हो, मोदी और कांग्रेस की का इलेक्शन ना हो करके ये नकुलनाथ बनाम बंटी साहू का इलेक्शन हो, इसमें उनका फायदा है। मुझे एक बात बताइए रविकांत, ये पूरा का पूरा जो मामला फिलहाल कमलनाथ के पीए के खिलाफ बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस सिलसिले में बताया जा रहा है कि साहब पुलिस जो है वो कमलनाथ के घर तक पहुंच गई, ये पूरा मामला क्या है? देखिए ये एक वीडियो जारी किया खुद भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने, इसमें ये आरोप लगाया भाजपा प्रत्याशी ने कि इस वीडियो में जो कमलनाथ के पीए हैं आर के मिगलानी वो दो लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उसमें उनको ये निर्देश दे रहे हैं कि भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ वीडियो जारी करो और आरोप है भाजपा प्रत्याशी का कि भाजपा प्रत्याशी को बदनाम करने के लिए वीडियो जारी करने की बात आर के मिगलानी उसमें कह रहे हैं। कोई बदनाम करने के लिए यहां पर ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा था रविकांत, यही वीडियो जारी किया है बंटी विवेक साहू ने खुद? निश्चित रूप से ओके, ये बंटी विवेक साहू ने खुद ये वीडियो जारी किया है और इससे पहले वो ये आरोप भी लगा चुके थे लिखित तहरीर दे करके कि उनके खिलाफ कांग्रेस कुचक्र रच रही है और उनके खिलाफ फर्जी वीडियो जारी कर रही है और उसके बाद आज ये वीडियो उन्होंने जारी किया और उसके तुरंत बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची है। और ये बता दें कि जो कैलाश विजयवर्गीय वरिष्ठ नेता हैं और मध्य प्रदेश में मंत्री भी हैं वो एक होटल में रुके हुए हैं, जिले के तमाम अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं जब यहां पर पुलिस आई और उसी के साथ ही साथ बहुत सारे अधिकारी कैलाश विजयवर्गीय से भी मिलने पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपका रविकांत इस तमाम जानकारी के लिए।